नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कबल हर आँख में 3 सलाई असमत के सुरमे की डाला करते थे। और एक रिवायत में इब्ने अब्बास ही से मनकूल है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा दानी थी जिससे सोने के वक्त 3-3 सलाई आँख में डाला करते। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक बिअन्नी अशहदु अन्नक अंतल्लाह لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी रात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में जात पात फर्क के बगैर तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर के सीआर है, निजामबाद बिगाला गणेश गुप्ता। केसीआर की लड़की एमपी कविता पर कांग्रेस बीजेपी कायदीन दुश्मनी कर रहे, कविता को बचाने की जिम्मेदारी हम तमाम पर है, भारी अक्सरियत से कामयाब करे आरएनबी महकमे के वजीर प्रशांत रेड्डी। तेलंगाना रियासत तमाम मैदानों में तरक्की करके सुनहरे तेलंगाना हासिल करने के लिए 16 एमपी मुकामात पर वोटर्स तायद करके कामयाब करें। जहीराबाद टीआरएस के एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल ने होटल मालिकिन से मुतालबा किया। जहीराबाद पार्लियामान इंतखाबात की तशहीर में एमएलए हनुमान शिंदे, जेडपी चेयरमैन दफेदर राजू ने हिस्सा लिए। रुख करेंगे तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत तमाम मैदानों में तरक्की करके सुनहरे तेलंगाना हासिल करने के लिए 16 एमपी मुकामात पर वोटर्स तायद करके कामयाब करे। जहीराबाद टीआरएस के एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल ने होटल मालिकीन से मुतालबा किए। निजामाबाद जिले बांसवाड़ा हलके में रुद्रोड़ वर्णी मंडलों में अहम अरकान के इजलास में उम्मीदवार बीबी पाटिल ने बताया कि कुचले व कमजोर तबकात के अवाम के लिए केसीआर कई भलाई स्कीमात पेश किए हैं। इसके साथ गुज़िश्ता 5 साल से मरकज से सड़कों प्रोजेक्टों के नए स्कीमात में करोड़ों रुपए मंजूर कराने का सहरा टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। आने वाले सालों में मजीद तरक्की देना है तो टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब करे, बीबी पाटिल ने मुतालबा किया। गुज़िश्ता 70 साल में कांग्रेस व बीजेपी हुकूमत नहीं की तरक्की, 5 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत करके दिखाई है, बीबी पाटिल ने ऐलान की। मुल्क में तेलंगाना रियासत को तरक्की में सर फहरिस्त रख सकते है, बीबी पाटिल ने ऐलान की। गुज़िश्ता इंतखाबात में दी अक्सरियत, ये इंतखाबात में भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब करने पर रियासत व मुल्क में तमाम पार्लियामानी हलकजात में जहीराबाद को सर फहरिस्त रखने का बीबी पाटिल ने तयखुन दिए। अवाम के करीब रहकर तमाम तबकात के मसाइल की इकसी की कोशिश करूंगा, वोटर्स मुझे कामयाब करने का मुतालबा किया। संक्षेम कार्यक्रम अभिवृद्धि कार्यक्रम అట్లానే కేంద్రీయ విద్యాలయ కానీ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసులు కానీ సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్స్ కానీ అట్లానే ఎయిమ్స్ కానీ హైకోర్టు కానీ దానికి కొట్లాడినాం. ఇప్పుడు కూడా ఇటువంటి పని కావాలంటే స్టేట్లో మా గవర్నమెంట్ ఉండాలా, సెంట్రల్లో మా ఎంపీ ఎక్కడ ఉండాలి అవసరం లేదు. సీఎం గారికి మొన్ననే 3-4 డేస్ బ్యాక్ సీ ఓటర్ సర్వేలా మంచి సీఎం అని వాళ్ళకు ఒక అవార్డు వచ్చింది.
అది చాలా మంచి మంచి మాట తప్పకుండా మంచి పని చేసిన వాడి మంచి అవార్డు అవుతుంది. అది మంచి పని అంటే ఏమిటంటే సుభాష్ రెడ్డి గారు చేసిన పనులే ఉన్నాయి. రైతు బంధు పథకం కానీ రైతు బీమా పథకం కానీ భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి పథకం లేవు. అదే ఈ పథకం మేము తీసుకురాచినాం. మేము తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మరి వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ ఢిల్లీ వాళ్ళు కానీ ఒరిస్సా వాళ్ళు కానీ కర్ణాటకలు పెట్టుకున్నారు అంటే మొత్తం కాపీ చేస్తున్నారు అంటే అనుకున్నారు. మరి పని చేయాలంటే ఒక ఆలోచన ఉండాలి. ఆలోచన మా సీఎం గారి దగ్గర శ్రీరాజు గారి దగ్గర ఉండదు. ఇటువంటి పని కావాలా ఇటువంటి మంచి పని కావాలంటే ఇంకొక పని పెద్ద పార్లమెంట్ వరకు ఢిల్లీలో ఉండాలి. మీకు అందరు గుర్తుంది ఈ పరిస్థితిలో ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ లేదు, బీజేపీ కూడా మెజారిటీ లేదు. కాంగ్రెస్ యూపీఏ కలిస్తే కూడా అవలంబిక మెజారిటీ రాకొచ్చింది, ఎన్డీఏ కూడా మెజారిటీ రాకొచ్చింది. అందుకోసమని తప్పకుండా డిజిటల్ పార్టీ చూపడం ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కీలక రోజు ఉంటుంది. पुटगिर मंडल मुस्तखिर में आज लिंगायत समाज की क़ियादत में मीडिया इजलास खैम किए, लेकिन ये इंतखाबात में ज़हीराबाद पार्लियामेंट से मुतालिक एकतरफा इखबारी ऐलान देने की मजम्मत करते हुए वीरा शाइवा लिंगायत संगम बांसवाड़ा हलके के सदर गंगाधर देसीआई ने शदीद मजम्मत की. वीरा शाइवा लिंगायत को कांग्रेस पार्टी हुकूमत गुज़िश्ता अनजहानी वाईएसआर चीफ मिनिस्टर थे जब ओसी से ओबीसी ग्रुप में शरीक किए. फिलवकत टीआरएस हुकूमत 2014 के इंतखाबात के वक्त ओसी से बीसी में शरीक करेंगे बताकर फिलवकत टीआरएस की एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल तय खुन देकर पूरा नहीं किए बताया. लिहाजा कांग्रेस पार्टी के दौर में लिंगायत को फायदा हो रहा है. कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मदन मोहन को जहीराबाद एमपी पर कामयाब बनाने का बांसवाड़ा हलके के लिंगायत समाज कोशिश कर रहे हैं बताया. ओबीसी कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है बताया. इस प्रोग्राम में स्वराज हनुमंत राव कृपा अर्जुन और दीगर ने हिस्सा लिए. सेक्रेटरी गारु मुख्यमंत्री कीर्ति स्वर्गीयुलु मरी వారి హయాంలో వారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి వారు ఇది లింగాయతులు ఎన్నో అంతల సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది పడతా ఉంటే మరి ఈ స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇబ్బంది పడతా ఉంటే మరి వైఎస్ రాజశేఖర్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో అప్పుడు గుర్తించి మమ్మల్ని లింగాయతులందరినీ కూడా బీసీ కులస్తులుగా చేర్చి ప్రకటించడం జరిగింది, జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రతిఫలంగానే ఈరోజు పిల్లలకు పాఠశాలలో గాని కాలేజీలలో గాని మరి ఉద్యోగాల్లో గాని లబ్ధి పొంత ఎంతో మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. దాని సహకరించిన మరి మా అప్పటి ఎంపీ గారు షట్కార్ గారు సహకరించారు. రియాసత్ మే జాత్ పాత్ ఫర్క్ కే బగైర్ తమామ్ తబఖాత్ కి తరక్కీ కే లియే కోషిష్ కర్ రహే హైన్. సిర్ఫ్ ఏక్ వజీర్ ఆలా కేసీఆర్ హై. నిజామాబాద్ बिगाला का निजगुप्ता. निजामाबाद शहर में पद्मशाली संगम में 45-46 डिवीजन बूथ कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की गई. इस इजलास में एमएलए गणेश गुप्ता मेहमान खसूसी के तौर पर हाजिर होकर बातचीत किए. तेलंगाना रियासत हासिल करने के बाद तमाम तबकात की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर कोशिश कर रहे बताया. अभी तक ज़ईफ़ों को देने 1000 रुपये वजीफा आने वाले माह से 2000 चीफ मिनिस्टर केसीआर दे रहे हैं बताया. इसी तरह कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़कियों को 1,116 रुपए देकर लड़कियों के वालिदैन को चीफ मिनिस्टर केसीआर सहारा देते हैं बताया. इसी तरह तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद निजामाबाद शहर काफी तरक्की किया है. मजीद तरक्की देने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में निजामाबाद से मुकाबला कर रहे एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करें. इस सिलसिले में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने अवाम से अपील की. అంత పెద్ద మెజార్టీ 74,000 ఓట్లు తీసుకొచ్చినటువంటి ధర ఈ తర్వాత తీసుకోవాలి. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, వారు ఇస్తున్నటువంటి నిధులు కావచ్చు, మేము చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు, ఇవన్నీ చూసి మా మీద నమ్మకంతో ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు ఈ ఎమ్మెల్యేకి మేము అవకాశం ఇస్తే, కేసీఆర్ గారికి అవకాశం ఇస్తే మన నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందనే నమ్మకంతో మేము పాటించాము. మరి వాస్తవం నేను రాత్రనగా పగలనగా కష్టపడ్డాం, కష్టపడతాం కూడా. మీరు అభివృద్ధి విషయానికి వస్తే మీ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్నామో మీటింగ్ కాల ముందు జన్మభూమి రోజు ఎంత దారుణమైన మేము చూస్తాం. మా కార్లు ఎన్జిఓస్ ఖాళీ దగ్గర పెట్టి ఎన్జిఓస్ రోడ్డు మీద పెట్టి మేము నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు మహిళలు మాకు ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే సార్ ఈ రోడ్డు చాలా ఎక్కువ మంచి స్మూత్ అయిపోయింది, సైకిల్ మోడల్ ఫాస్ట్ గా ఉంటున్నాయి, నేను స్పీడ్ బ్రేకర్ లేదు ఏం చేస్తున్నాను. జన్మలోకి రోడ్ 50 డివిజన్ అంటే నాగారం ప్రాంతానికి కూడా మేము బ్రహ్మాండంగా నేను తీర్చిదిద్దాం. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? నేను చేసేటటువంటి శక్తి ఆ మనసు మాకున్నది.
निजामाबाद शहर में 11वें डिवीजन में अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भूपति लावण्या जोड़े ने 400 अरकान से मिलकर टीआरएस पार्टी में शरीक हुए। इसी सिलसिले में एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता उनको टीआरएस पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए। इस सिलसिले में खायम के जलसे आम में एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने बताया कि गुज़िश्ता असेंबल इंतखाबात में भारी अक्सरियत अवाम मुझे कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा की। चीफ मिनिस्टर केसीआर अपनी जान की परवाह किए बगैर रियासत हासिल करके रियासती अवाम हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने का इरादा करके कई भलाई स्कीमत व तरक्याती प्रोग्रामों को शुरू करने के जरिए फिर अवाम दुआएं दे बताया। गणेश गुप्ता ने बताया कि इसी तरह आने वाले अप्रैल से ज़ैफों को 2016 रुपये, माजूरीन को 3000 रुपये वजीफा जात चीफ मिनिस्टर केसीआर दे रहे हैं। बताया चीफ मिनिस्टर केसीआर बेघर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रहे हैं। इसी तरह जारी साल से जाती जमीन रखने वालों को मकानात तामीर हुकूमत 5 लाख रुपये दे रहे हैं। बताया इसी तरह गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान में शहर को तरक्की देते हुए नए सड़कें डाल रहे, जिले तमाम में मजीद तरक्की वो आगे बढ़ने, आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में निजामाबाद पार्लियामान मुकाम से मुकाबला कर रहे एमपी कविता को दूसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाब करें। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने अवाम से मुतालबा किए। अप्रैल 11वीं तेजी पार्लियामेंट इलेक्शन मैं 16 पार्लियामेंट निर्गो 16 गेलवाल पेपर केसीआर निजामाबाद नीचे पोटी स्वयं मन केसीआर गुमारते కవితక అలియాస్ బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఆడాలంటే సిగ్గుపడేటోళ్ళు ఇలా సిగ్గుపడుతున్నామా? ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా కూడా బతుకమ్మ ఆడిస్తున్నది ఎవరు? మన కవితక్క. కాబట్టి 16 నియోజకవర్గాల్లో కూడా అందరికన్నా ఎక్కువ మెజార్టీ మనం నిజామాబాద్ నుంచి కవితక్కకి ఇచ్చి గెలిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వచ్చేటటువంటి 11వ తేదీ నాడు పొద్దుగల 7 గంటగా ఓటింగ్ చాలా అవుతుంది. దయచేసి అన్నాడు సెలవని అంతపూర్ కోడి తెచ్చుకుందామని పక్కనే దేశీకోడ దొరుకుతుంది మనకు మార్కెట్ లో. ఇలా మంచి అది ఇద్దాం, కూలర్ వేసుకొని పందాం, ఎందుకంటే సెలవు అనుకోద్దమ్మా. మనకు ఓటర్ ఏదైతే కార్డు వచ్చిందో అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం కాదు, అది మన ఓటు ఏదనుకోసం. అది బాజాబ్దా పోయి ఎండ నిలవడైనా కష్టపడైనా కూడా మనం భారతీయులం కాబట్టి మనకు ఆ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. వినియోగించుకొని మనల్ని గౌరవించటల్లది మన కోసం, అంటే మీ కోసం, మీ కుటుంబం కోసం, మీ గల్లీ కోసం, మీ నగరం కోసం ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో లైన్ల నిలబడి ఎండైనా వానైనా కాకుండా మనం పోయి 5 ఏళ్లకు వచ్చే ఒక ఎలక్షన్ లో మనం గెలిపించుకోవాలి మనకు కావాల్సిన మనిషిని. మన కవితక కష్టపడుతుంది, గల్లీ గల్లీలో ప్రజల్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి వచ్చే 11వ తేదీ దయచేసి మీ అందరూ కూడా కారు గుర్తు మీద ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపేయాలని చెప్పేసి జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ ఇంతఖాబాత్ కి తశ్రీర్ మే ఎమ్మెల్యే హనుమాన్ షిండే జెడ్పీ చైర్మన్ దఫేదార్ రాజు నే హిస్సా లియే। जहीराबाद पार्लियामानी हलके के टीआरएस के उम्मीदवार बीबी पाटिल को कामयाब करें। एमएलए हनुमान शिंदे ने बताया निजाम सागर मंडल में ब्राह्मणपल्ली, अजमपेट, सुल्तानगर, वडेपल्ली, अजमपेट, जक्कापुर देहातों में इलेक्शन तशहीर में हिस्सा लिए। हमारे एमपी बीबी पाटिल तरक्की देने कामुक में कौमी शाहराहें लिंगारेड्डी से नांदेड़ तक और निजाम सागर से कामारेड्डी तक नए कौमी शाहराहें 80,000 करोड़ से कामों को शुरू किए। लिहाजा फिर एक बार कार के निशान को वोट देकर एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल को कामयाब बनाने का अवाम से मुतालबा किए। ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కు రాసి అది కారణగానే ఉంది ఆ టిప్పర్ తీసేయండి అంటే తీసేసిరు, దాని మొదలైపోయింది, అది ఉండదు. ఇక ప్రధానమంత్రి కూడా కాగల సత్తా మన కేసీఆర్ గారికి ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామస్తులందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, మేము గతంలో చేసిన పరిపాలన కంటే మెరుగైన పరిపాలన చేయాలంటే బండి 2 ఎడ్లతోని ఏ విధంగా అయితే నడుస్తుందో ప్రభుత్వాలు కూడా 2 ప్రభుత్వాలు, ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రెండోది కేంద్ర ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నిక అయిపోయింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడాలంటే ఎమ్మెల్యే కావాలా, అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ఒక ఎంపీ. మర్కజీ హుకుమత్ బీడీ వర్కరం కు హర్ మాహ 3000 వజీఫీ కే సాత్ शर्त के बगैर 6000 वजीफे जात IFTU जिले सेक्रेटरी बालकिशन ने मुतालिबा किए।
तेलंगाना प्रगतिशील बीडी वर्कर्स यूनियन IFTU की क़यादत में डिशपली मंडल मुस्तकर में बीडी वर्कर्स ने धरना व रैली निकाल कर तहसील ऑफिस का मुहासरा की। बीडी वर्करों को हर माह 3,000 वजीफा देकर ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद 6,000 रुपए PF वजीफा देने का मुतालबा किए। तेलंगाना रियासत में ज़राअत के बाद बहुत बड़ा रोजगार फ्राहम कर रहे सनत में 7 लाख बीडी वर्कर्स है। मुल्क में 60 लाख बीडी वर्कर्स काम करते हुए ये बीडी सनत के पेशे पर दारोमदार रख कर 1,40,00,000 अफराद बीड़ी सनत पर भरोसा करके जिंदगी गुजार रहे बताया। बीड़ी सनत पर GST 28% बोझ पड़ने से बीड़ी कंपनी मालिकिन कम अज कम तनख्वाह बढ़ाने की सोच में नहीं है बताया। बीड़ी वर्करों को माहाना जुमला काम के दिन 10 दिन के अंदर दे रहे जैसे सनत पर दारोमदार रखे। बीड़ी वर्कर्स को रोजगार नहीं मिलने से पेट भर काम नहीं मिलने की सूरत हाल लाने से दुख भरी जिंदगी गुजार रहे बताया। इस प्रोग्राम में डिस्पली मंडल बीड़ी वर्कर्स और वेंकट IFTU जिले जनरल सेक्रेटरी डिविजन सेक्रेटरी सायागौट मंडल IFTU सेक्रेटरी मुरली ने हिस्सा लिए। 31 तारीख అన్ని మండల కేంద్రాలలో అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేయాలని పిలిపించింది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా బీడి కార్మికుల పని యాడికి ప్రతి నెల సంబంధించేసి కనీసం అంటే నెల 20 రోజులు వచ్చే పని కేవలము 5 రోజుల నుండి 10 రోజులు మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పుడు MP ఓట్లున్నాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించి ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టుకొని మాకు సంబంధించిన డిమాండ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బీడి కార్మికులకు సంబంధించి कोटगिर मंडल मुस्तखिर में TRS मंडल के अहम अरकान के इजलास में हिस्सा लिए। जहीराबाद पार्लियामानी उम्मीदवार बीबी पाटिल ने हिस्सा लिए। बीबी पाटिल ने बताया कि गुज़िश्ता की हुकूमतें तयाकुन देने के सिवाय कोई तरक्की नहीं दिए बताया। 65 साल हुकूमत में तेलंगाना कोई तरक्की नहीं किया है। 2014 में चीफ मिनिस्टर KCR चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तेलंगाना अवाम की मुश्किलात दूर हुई है बताया। रियासत में कुचले व कमजोर तबकात के मसाइल फिक्सी के लिए कई भलाई की माल शुरू की है। रायतु बीमा, रायतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट, गरीब अवाम के लिए डबल बेडरूम, इसी तरह कई स्कीमात को तैयार किए बताया। 16 सीटों पर TRS पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब करने पर ज्यादा फंड्स हासिल कर सकते। जहीराबाद MP उम्मीदवार मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में MPP सुलोचना, सरपंच लक्ष्मण, PP वाइस श्रीनिवास, किसान मशावती समिति के सदर किशोर बाबू, AMC चेयरमैन शंकर पटेल, वाइस चेयरमैन गंगाधर, ST सेल कामा रेड्डी के सदर बधिया नायक, देसी आई पेट सिंगल विंडो चेयरमैन भास्कर रेड्डी, बिरकुर गंगाधर सिद्धू, मंडल सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर, TRS पार्टी खायदीन శంకర్ పటేల్ గారు, నరేందర్ రెడ్డి లక్ష్మణ్ గారు, స్వరూప మేడం గారు, సందారి సాబ్, గంగాధర్ హేమగిరి గారు, అందరికి పేరు పేరు నమస్కారాలు. ఇంతకు ముందు 65 సంవత్సరాలు వేరే వేరే సర్కారు ఉండే ఆ వేరే వేరే పరిపాలన, కానీ ఆ పరిపాలన ఏం లేకుండా అప్పుడు ఇంత పరిస్థితి ఉండే, తర్వాత రోడ్ కూడా లేకుండా, గోడౌన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ అది కానీ ఇది కానీ ఏం కూడా లేకుండా. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత 2014 KCR గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేము వేరే వేరే డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం. కార్యక్రమంలో ఒక పక్కన అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకుని డెవలప్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మహాత్మా జ్యోతి బాపులే స్కూల్ మే జరే తాలిమ్ తుల్బా తమ్మా మైదానో మే ఆగే రహనే కి తరహ హర్ వక్త్ కోషిష్ కర్ రహే स्कूल प्रिंसिपल विमला संजीव रेड्डी ने बताया। दास नगर के पास वाक़े अरबन ज्योति बापुले गर्ल्स स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल विमला संजीव रेड्डी की क़यादत में तुलबात के वालिदैन से इजलास तलब किया और बताया कि कमजोर तुलबा के जमात से ताल्लुक बच्चों अकामती स्कूलों में हाथ बटाते हुए मियारी तालीम के साथ तमाम मैदानों में आगे बढ़ने में ताउन कर रहे बताया। बेहतरीन सहूलतें फ्राहम कर रहे वालिदैन तमाम वाक़ात में ताउन करने का मुतालबा किया। नेट IIT ट्रेनिंग के लिए मुंतखब हुए 30 तुलबात के वालिदैन को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। बाद में तुलबात के वालिदैन ने बताया कि मियारी तालीम व मियारी सहूलतें दे रहे इदारे का शुक्रिया अदा की। इस प्रोग्राम में गर्ल्स असातिज़ा तुलबात के वालिदैन ने हिस्सा लिए। ये प्रयोजनालन चेकूरुस्तुंदी आ प्रयोजनालन तल्लीदंड्रुल दृष्टि की तीसुकोच्ची एक्कडैना इंका सूचनलु चेयडानिकी अवकाशालु उंटे आ सूचनलु आह्वानिंचडानिकी ఈ సమావేశాలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే విద్యార్థుల ప్రగతి,
ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయనిలకు తల్లిదండ్రులతో ఇంటరాక్షన్ జరగడానికి ఈ సమావేశం ఉపయోగపడుతుంది అనే దృక్పథంతో విద్యార్థుల ప్రగతి ప్రతిభ సామర్థ్యాలను వారి ముందు పెడతా ఉన్నాం। कामरेड्डी जिले के मदनूर मंडल के मौजू बड़ा शकरगा और छोटा शकरगा दिगर मौजियात में टीआरएस के सीनियर लीडर खाजी अरशद पाशा दौरा किए। कामरेड्डी जिले के मदनूर मंडल के मौजू बड़ा शकरगा और छोटा शकरगा चिमनापुर दिगर मौजूद में टीआरएस के सीनियर लीडर खाजी अरशद पाशा दौरा किए। घर घर जाकर बीबी पाटिल को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अवाम ने केसीआर के स्कीम से इत्मीनान का इजहार की और आने वाले दिनों में टीआरएस के उम्मीदवारों को ही भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का तयकुन दिए। इस मौके पर टीआरएस के सीनियर लीडर खाजी अरशद पाशा के साथ छोटा शकरगा के टीआरएस पार्टी के सरपंच शेख गफ्फार भी अवाम से टीआरएस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए दिखाई दी है। इस मौके पर खाजी अरशद पाशा और शेख गफ्फार सरपंच मीडिया से मुलाकात की है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने अपने आदमी को जिताना और जो सो काम ज्यादा से ज्यादा अपन काम ले सके, सीनियर एमएलए है बीबी पाटिल साहब एमपी, तो दोनों मिल के अगर के काम करेंगे, दोनों का बजट रहेगा तो हर गांव डेवलपमेंट होगा। आपके स्कूल बनेंगे, माइनॉरिटी स्कूल डाले क्या स्कूल है और माइनॉरिटी स्कूल बिस्कुंदे में इधर भी मजदूर में भी डालेंगे। तो सबसे हमारी ख्वाहिश है कि बीबी पटेल साहब को और देकर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाइए। हमें छोटे शक्कर का ये एमपी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब करने के बाद दो अहम वाकयात जिद पकड़ कर काम करके दिखाऊंगी, निजामाबाद टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने बताया। जुमा की रात निजामाबाद शहर में आरआर चौरासे पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से मिलकर वो इलेक्शन तशहीर में हिस्सा लिया और खायम के जलसे आम से खिताब किए। जाती जगह रखने वालों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए देंगे। बेघर अफराद को अभी तक शहर में 25,000 मकानात तामीर कर रहे हैं, मजीद 10,000 डबल बेडरूम मकानात तामीर करके देने का तयकुन दिए। गरीब के जाती मकान का ख्वाब मुकम्मल करने के मकसद से काम कर रहे हैं बताया। निजामाबाद शहर में आईटी हब खायम करने के हिस्से में 50 कंपनियों से मुआहदा की है। इसके जरिए जाती तौर पर या गैर जानबदारी तौर पर कई मुलाजिमतें मिलेंगी। आईटी हब फेज 2 की तामीर भी शुरू करेंगे। मुकाम पर मौजूद कई बेरोजगारी को रोजगार मिलने की तरह कोशिश करेंगे बताया। निजामाबाद बहु की तौर पर ये 5 साल में जिले की तरक्की में कोशिश की हूँ बताया। 5 साल में रियासती हुकूमत की तरक्की भलाई की बुनियाद डाली, अब इमारतें तामीर करने का काम बचा है बताया। मुल्क को सिंगापुर में तब्दील करने जिद पर होने पर ही ये मुमकिन है बताया। 70 साल दौर में मुल्क पर दिलचस्पी नहीं लिए तेलंगाना रियासत एक रास्ता बनाएगी, ये रास्ता मुल्क को बताने की अशद जरूरत है बताया। देश प्रधानमंत्री एवर उन्नाले देश वेलाले आलोचन चेसेटटुवंटि एन्निकलु मरि इक्कड निजामाबाद पट्टणंलो अंदरं कूडा एक्कुव मंदिनि पेद्द मोत्तान चदुवुकुन्न वाळ्ळु उंटारु, अन्नि विषयालु तेलिसिन वाळ्ळु उंटारु, मेधावुलु उंटारु, अंदर्नि कूडा नेनु आलोचिंचमनि कोरुता उन्ना। మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి కరెక్ట్గా 5 సంవత్సరాలు అయింది। ఈ 5 ఏళ్లలో తెలంగాణను ఎంతో కొంత మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగినాం, మార్పును స్పష్టంగా ప్రజలకు చూపెట్టగలిగినాం। ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే ఇవాల నిజామాబాద్ పట్టణంలో 24 గంటలు అంటే కరెక్ట్గా 24 గంటలు కరెంట్ ఉంటుంది, మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు। కానీ అంతకుముందు అట్లా లేకుండే పరిస్థితి, కరెక్ట్ 5 ఏళ్ల కింద 24 గంటలు కరెంటు లేదు। అదే విధంగా వాళ్ళ అనేక మంది పేద ప్రజలకు పెన్షన్ ఇచ్చుకుంటున్నాం మనం। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि रियासत में कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने अवाम से अपील की। निजामाबाद पार्लिमानी हुदूद में 7 असेंबली जात और निजामाबाद अर्बन में भारी अक्सरियत आने की तरह अवाम तायद करे और अरकान कोशिश करने का मुतालबा किए। इस सिलसिले में एमपी को मनूर कापुर संगम, धोबी सेवा संगम, विश्व ब्रह्मणा संगम ने अपनी तायद का ऐलान किया। इंतखाबात में कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने अपने हद तक कोशिश करेंगे, ये संगमों के अवामी नुमाइंदों ने बताया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर आकुला सुजाता, म्यूनसिपल कारपोरेशन फ्लोर लीडर मुरली, कारपोरेटर गंगा मणि, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस सलीम, टीआरएस शहर के सदर नियालम किशन, खायदीन सुखजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, सत्यराम, राजू, अपर्णा और दिगर ने हिस्सा लिए। निजामाबाद एमपी इंतखाबात के हिस्से में नवी पेट मंडल मुस्तकिर कंदकूर्ति चौरास्ते के पास जलसयाम में टीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार कविता के जलसयाम में नबीपेट मंडल के 33 ग्राम पंचायतों के हुदूद तमाम देहातों से पार्टी शायकीन भारी तादाद में चले आए।
जलश्याम से पहले कलाकारों के साथ मशहूर तेलंगाना गीतकार मेटापल्ली सुरेंदर गायक गीत अवाम को मुतासिर कर दिए। मुख्तलिफ देहातों से खवातीन बोनाल से चले आए। चंद कलाकार कल्चर डांस किए। बाद में बास टीआरएस कायदीन महिला विभाग के कायदीन ने कविता को तहनियत पेश किए। नवीपेट मंडल मुस्तकर के रहने वाले MPP व साबिका सरपंच सूरी बाबू अपने हमदर्दों से कविता की मौजूदगी में पार्टी में शरीक हुए। बोधन MLA शकील आमिर ने बताया कि दही तरक्की और बच्चों का मुस्तकबिल ठीक रहना है तो तेलंगाना रियासत तरक्की करने पर ही जिले मंडल सतह दही सतह पर तरक्की होगी। रियासत में मौजूद 16 MP सीटों के साथ हमारे मंडल के बहू साबिका MP कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। बाद में MP उम्मीदवार कविता ने बताया कि जिले तमाम में बोधन हलके में नवीपेट मंडल की बहू मुझे फिर यहाँ आकर सबसे मिलना बहुत खुशी हो रही है बताया। गुज़िश्ता इंतखाबात में मुझ पर भरोसे से MP पर कामयाब की आप तमाम को शुक्रिया अदा करते हुए आप डायरेक्ट वोटों की वजह से दिल्ली पार्लियामेंट में तेलंगाना मसाइल पर जद्दोजहद की हूँ बताया। चीफ मिनिस्टर KCR के तयखुन के मुताबिक खाली जगह रहने वालों को मकानात तामीर करके देंगे बताया। मैं भी अंदर कुड़ा तेलसु तेलंगाना राष्ट्र मुच्छने का इपड़ की मैंने निजामबाद जिला को मैंने बहुत अनियोज का वर्गान की अंदर की कुड़ा पैदाई तूने लाभन जरिये विदंगा मैंने निजाम सागर ने कापड़ तूना इधर को मैंने मांद्रा पालन लोग न पड़ो मैंने बहुत अनियोज का वर्गन नुंडे इरिगेशन शाखा मंत्री भारी नीट पारदल शाखा मंत्री सुदर्शन रेड्डी गारु उन्नारु वारु उन्नप्पुडु कूडा కనీసం మన సింగూరు జలాలు మన నిజాం సాగర్కి రావాలని ఏనాడు మాట్లాడలే కానీ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక సింగూరు జలాలను హైదరాబాద్ కాకుండా నిజాం సాగర్కి తరలించి మొత్తం నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు రైతన్నలందరినీ కూడా కాపాడుకోవడం జరిగింది మరి దాంతో మన నవీపేట మండలంలో కూడా దాదాపుగా 30-35 వేల ఎకరాలు మంచిగా సాగు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు వచ్చింది అంతేకాదు మనం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత అదనంగా 10 కోట్ల రూపాయలను నిజాం సాగర్ కెనాల్ ని మరి మంచి చేసుకోవడానికి కూడా పెట్టుకున్నాం దాంతో కూడా అదనంగా ఒక 15 వేల ఎకరాలు మరి మంచిగా జరుగుతున్నది అంతేగాని మీ అందరు కూడా చూసి ఇవాళ రైతన్నలు ఉంటే మనం పెద్ద ఎత్తున రైతు బంధు కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం ఎకరానికి ఇంత అని రైతులకు డబ్బులు ఇచ్చుకుంటున్నాం రైతులకు బీమా ఇచ్చుకుంటున్నాం సమయానికి విత్తనాలు ఇస్తున్నాం ఎరువులు ఇస్తున్నాం। चेक पोस्ट के पास अमले शनाख्ती कार्ड रखे वोट डिस्प्ले की नुमाइश करे दालिया ने बताया। 185 उम्मीदवार मुकाबले में रहने से इसके मुताबिक जरूरी व मजीद इंतजाम करे पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिए वोटों की गिनती में ज्यादा वक्त लगने का इम्कान रहने से जरूरी सहूलतें कायम करे बताया। बाद में CP कार्तिकेया जगत्याल SP सिंधु शर्मा अपने हुदूद में पुलिस की तकरीर इलेक्शन इंतजाम हिसाब पोलिंग स्टेशन वगैरह वाकत इंतजाम को बयान किए। इजलास में एडिशनल CP श्रीधर रेड्डी डिवीजन सतह के पुलिस अहदेदार श्रीनिवास कुमार रामलू रघु जगत्याल जिले डिवीजन सतह के पुलिस अहदेदार नवीन चंद्रा श्रीधर जिले RDO अंजया MLC नोडल ऑफिसर सीमा चुलम और दीगर ने हिस्सा लिए। पार्लियामेंट इंतखाबात में जरूरी इंतजाम कर रहे हैं जिले कलेक्टर जिले इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव ने बताया। प्रगति भवन के इजलास हॉल में इलेक्शन आम मुजबिर CP कार्तिकेया जगत्याल SP सिंधु शर्मा से मिलकर अमन व जब्त इंतखाबात के इंतजाम वगैरह वाकयात पर इजलास कायम किया और कलेक्टर ने बताया कि नामजदगी स्क्रूटनी मुकम्मल करके निशानात मुख्तस करके इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं। उम्मीदवार ज्यादा तादाद में रहने से इलेक्शन कमीशन के अहकाम की राहत देख रहे हैं। हल्के पार्लियामान के हदूद में पुरअमन इंतखाबात मुनाकिद करने जरूरी तमाम इंतजाम कर रहे हैं। इलेक्शन के जाबित उसूलों पर सख्त से अमल करने जरूरी स्टैंडिंग फिलिंग MLC एक्साइज और दीगर कमेटियों को कायम किए हैं और दीगर टीमों को कायम किए हैं। असेंबली ग्राम पंचायत इलेक्शन वाकयात को पेश नजर रख कर बाकी तमाम इंतजाम कर रहे हैं बताया। पोलिंग मराकज के पास जरूरी तमाम इंतजाम कर रहे हैं बताया। महकमे एक्साइज की क्यादत में जिले तमाम में 3 चेक पोस्ट कायम किए हैं। अवाम वोटरों से जरूरी मशवरे इंतजाम कर रहे हैं बताया। महकमे व टाउन और फरियादों को जिले मुस्तकल में 1950 कॉल सेंटर सुबह से रात तक जारी रखे फरियादों के लिए सिविजिल बेहतरीन काम कर रहे हैं। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखल आपके लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी समझ आपको खुद पर गुजरे बगैर आ ही नहीं सकती। अपना गम हर किसी को मत बताएं क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो नमक हर घर में जरूर होता है। कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है ये
इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं, उन्हें देखकर हम सब्र और शुक्र की लाठी थामे रखें। अगर आप सच बोलने के आदी हैं तो आपसे मुहब्बत करने वाले बहुत कम और दुश्मन लातेदाद होंगे। सच्ची मोहब्बत किसी शर्त की मोहताज नहीं। जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपके ऐब तलाश नहीं करेगा। पता है, किसी को दुख देना, धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालेंगे आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में जात पात फर्क के बगैर तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर के सीआर है निजामबाद बिगाला गणेश गुप्ता। केसीआर की लड़की एमपी कविता पर कांग्रेस बीजेपी कायदीन दुश्मनी कर रहे, कविता को बचाने की जिम्मेदारी हम तमाम पर है, भारी अक्सरियत से कामयाब करे आरएनबी महकमे के वजीर प्रशांत रेड्डी। तेलंगाना रियासत तमाम मैदानों में तरक्की करके सुनहरे तेलंगाना हासिल करने के लिए 16 एमपी मुकामात पर वोटर्स तायद करके कामयाब करें, जहीराबाद टीआरएस के एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल ने होटल मालिकिन से मुतालबा की। जहीराबाद पार्लियामानी इंतखाबात की तशहीर में एमएलए हनुमान शिंदे जेडपी चेयरमैन दफेदर राजू ने हिस्सा लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।